हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल प्रॉपर्टी प्लाजा से। अभी जो मैं प्रॉपर्टी आपको शो कर रहा हूँ, ये 2.5 BHK है। इसमें ये मेन डोर और ये इसका आप देखें तो सेफ्टी डोर था, और एंट्री करते ही आपको पहले ये हाफ बेडरूम मिलता है जिसमें काफ़ी कुछ अच्छा काम किया हुआ है, वार्डरोब है, साथ ही साथ विंडो में कुछ सामान रखा हुआ। मैं आपको व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये ओपन व्यू है इसका विंडो का, और ये प्रॉपर एक हाफ बेडरूम चिल्ड्रन बेडरूम के लिए एक बेडरूम मिलता है आपको। कितने लोग इसका 3 BHK भी बोलते हैं। और ये इसका डाइनिंग एरिया है, और इस तरफ इसका आप देखें तो लिविंग एरिया है 2.5 BHK। प्रोजेक्ट का नाम है आकृति हब टाउन गार्डनिया मीरा रोड। आकृति डेवलपर हैं, हब टाउन गार्डनिया प्रोजेक्ट का नाम है। और ये इसका नीचे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिमनासियम, किड्स प्ले एरिया वगैरह सारा कुछ एमिनिटीज़ भी है इसमें। सामने डाइनिंग एरिया है, इस तरफ इसका लिविंग एरिया है। आगे मैं इसका दोनों बेडरूम और किचन दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये इसका किचन है, किचन में आप देखें तो काफ़ी बढ़िया फर्नीचर इन्होंने बनाया है, मॉड्यूलर किचन, अपर कैबिनेट्स। और किचन के बाहर जो इसका बालकनी है, यहाँ पे एक अलग से बेसिन बनाया हुआ है, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन का रखने का प्रोविज़न किया हुआ है, गैस पाइपलाइन भी इसमें अवेलेबल है। अभी मैं आपको ये किचन दिखाया, इसके बाद मैं आगे दिखाता हूँ दोनों बेडरूम कैसा है। 3 बेडरूम यानी कि 2 कॉमन बेडरूम है और 1 मास्टर बेडरूम है 2.5 BHK। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको लेफ्ट में इंडियन टॉयलेट के साथ ये पूरा वॉशरूम है इसका, कॉमन वॉशरूम। और ये इसका कॉमन बेडरूम है, इसमें भी सामने वार्डरोब बना हुआ है। और ये इसका बेड है, इसमें भी एक अच्छी बालकनी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 2 से 2.5 फुट का, जहाँ पे एसी के आउटडोर रखा हुआ है। और इसका भी एक ठीक ठाक अच्छा ओपन व्यू है। ये मैंने आपको कॉमन बेडरूम दिखाया, अभी चलता हूँ मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये सामने ऊपर वाटर टैंक का स्पेस है और एक्स्ट्रा स्टोरेज का स्पेस है। और ये इसका मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम एंट्री करते ही आपको फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे वार्डरोब मिल रहा है। और ये इसका पूरा स्पेस आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया। और प्राइजिंग की बात करूँ, इसमें एक स्टिल्ट कवर्ड पार्किंग है जिसका वैल्यू लगभग 7.5-8 लाख रुपये का है। ये दोनों मिला के 1.5 करोड़ नेगोशियबल प्राइज़ है। जो भी प्राइज नेगोशिएशन होगा वो हम बैठ के कर पाएंगे, बट ये कॉम्प्लेक्स आप देखें तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही बढ़िया, एक लेवल के अच्छे लोग और बहुत ही पीसफुल कॉम्प्लेक्स है ये। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें इंडियन टॉयलेट में बनाया हुआ है। ये इसका 2.5 BHK। अभी मैं नीचे आपको पार्किंग भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये तो मैंने आपको फ्लैट दिखाया है, ये इसका पैसेज, और टोटल 8 फ्लैट है एक फ्लोर पे, एक तरफ और एक स्ट्रेचर लिफ्ट, एक पब्लिक लिफ्ट, 2 टाइप का लिफ्ट दिया हुआ है। और यस, इसका एक स्टेयरकेस है, मैं आपको एंट्रेंस में दिखाता हूँ, वहाँ आप समझ पाएंगे कि क्या लिफ्ट और स्टेयरकेस का प्रोविजन क्या किया हुआ है। फ्लैट है ये आकृति हब टाउन गार्डनिया मीरा रोड का सबसे खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है ये। आप देखें तो 9 विंग्स हैं इसमें, 9 बिल्डिंग्स हैं, और लगभग इसमें 980 फ्लैट है।
ये मेन रोड है जहाँ से आप आकृति अपडाउन गार्डनिया में एंट्री करते हैं। सामने देख सकते हैं वेजिटेबल के लिए दो तीन ठेले वाले खड़े हैं, और ये इसका मेन एंट्रेंस और ये एग्जिट गेट है इसका। यहाँ से डी मार्ट का भी आपको बोर्ड दिख रहा है, डी मार्ट वगैरह, सुपर स्टोर वगैरह, बिल्डिंग के सब नीचे ही है। दो गेट है इसका, एक एंट्री का और एक एग्जिट का। ये इसका पूरा पार्किंग एरिया है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। बहुत बढ़िया ओपन स्पेस दिया है यहाँ पे बिल्डर ने। बिल्डर चाहते तो इसमें 4 से 5 बिल्डिंग और भी बना सकते थे, बट उनका कुछ सिस्टम ऐसा है कंस्ट्रक्शन का। ये आकृति बिल्डर हैं, अंधेरी के बिल्डर हैं ये। इन्होंने मिरारड में ये पूरे 5 एकड़ में डेवलप किया है। ये पूरा इसका पार्किंग स्पेस है, बीच में जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है हेजल का। इस तरह से इसमें 9 विंग्स हैं टोटल आकृति में, और पूरा कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज किया हुआ है जिस तरह से बिल्डर ने दिया था। सोसाइटी भी काफ़ी बढ़िया सोसाइटी है, सोसाइटी भी उसी तरह से मेंटेन करके रखी है। अपना एक वैल्यू प्रॉपर्टी का बन जाता है या बना रहता है जो सोसाइटी पूरी तरह से मेंटेन रहती है। तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बिल्डर तो बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, जिम्नाशियम वगैरह बना के देते हैं, लेकिन बाद में सोसाइटी अगर प्रॉपर नहीं होती है, मैनेज नहीं कर पाती है, तो उस कॉम्प्लेक्स का वैल्यू ख़त्म हो जाता है। तो इस मामले में अपटाउन गार्डनिया नंबर 1 पे है, काफ़ी बढ़िया मेंटेन रखा है सोसाइटी ने। अभी एंट्रेंस लॉबी देखने के बाद हम देखते हैं कि फ्लैट किस टाइप का है। फुली फर्निश्ड करीबन। क्लब हाउस के अंदर भी देखें तो काफ़ी बढ़िया इन्होंने प्रोविज़न किया है। ये पूरा क्लब हाउस की बिल्डिंग है, चारों तरफ से 9 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है ये, बीच में क्लब हाउस बनाया हुआ है। आइए क्लब हाउस को अंदर से देखते हैं कि किस टाइप का है। क्लब हाउस में 3 बड़े बड़े बैंक्वेट्स हॉल हैं जहाँ पे आप 400 से 500 लोगों का और भी ज़्यादा लोगों को साथ आप कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे बर्थडे, मैरिज, सब कुछ भी बड़े फंक्शन जहाँ 500-700 लोगों का भी प्रोग्राम आप साथ में कर सकते हैं। इतना बड़ा बैंक्वेट हॉल दिया है इन्होंने। एक तो ये फर्स्ट बैंक्वेट हॉल है, दूसरा इसमें कुछ टेबल टेनिस वगैरह रखे हुए हैं। इन फ्यूचर इसका कई बार एज ए बैंक्वेट हॉल भी इसका इस्तेमाल किया गया है। ये इसका तीसरा बैंक्वेट हॉल है। जब कोई बड़ा फंक्शन होता है तो ये तीनों को एक साथ कर दिया जाता है, और बिल्कुल जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत ही रीजनेबल इसका रेंट लिया जाता है। ये 3 तो बैंक्वेट हॉल हैं इस क्लब हाउस में। उसके बाद हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर 2 पार्टी हॉल है और एक बड़ा जिम्नाशियम है। उसके ऊपर फिर टेरेस दिया है इन्होंने। टेरेस अभी खुला नहीं होने के कारण मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये इसका फर्स्ट फ्लोर का प्रोविजन है, इंतजाम किया हुआ है जो, और ये इसका पार्टी हॉल है। 2 पार्टी हॉल ऐसा 400-400 स्क्वायर फुट का कारपेट का है। बंद होने के कारण मैं आपको कैमरे से बाहर से दिखा रहा हूँ। और ये इसका जिम्नाशियम है। जिम में भी आप देखें तो सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, और कुछ लोग कार्डियो जिम कर भी रहे हैं। ये क्लब हाउस का वॉशरूम है और जैक्यूजी रूम्स हैं। सोसाइटी काफ़ी बढ़िया मेंटेन किया हुआ है। यहाँ से फ्लैट परचेस करने के बाद आपको कहीं जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्लब ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे स्विमिंग पूल का भी प्रोविज़न बहुत बढ़िया किया हुआ है। ये इसका स्विमिंग पूल है, किड्स और एडल्ट दोनों के लिए ही है। और ये मैं आपको यहाँ से बीच से खड़ा होकर एनवायरनमेंट दिखा रहा हूँ किस टाइप का सोसाइटी ने मेंटेन किया है इस कॉम्प्लेक्स को। चारों तरफ ओपन स्पेस है 4-व्हीलर 2-व्हीलर के पार्किंग के लिए, और बीच में स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नासियम, किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, सीनियर सिटीजन एरिया वगैरह सब कुछ दिया है इन्होंने।
ये एम्पी थिएटर और किड्स प्ले एरिया है। और ये ओपन स्पेस है पार्किंग के लिए। और ये जॉगिंग ट्रैक है जहाँ पे बच्चे और सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये इसका बैक साइड का ओपन स्पेस है जहाँ पे टू व्हीलर और फोर व्हीलर पार्किंग के लिए आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेस दिया हुआ है। जनरली बिल्डर इतने में तो कंस्ट्रक्शन करके कई बिल्डिंग बना देते हैं, बट इनका कंस्ट्रक्शन का स्टाइल ही ऐसा है, इतना बड़ा लैंड होने के बाद भी इन्होंने इतना ओपन स्पेस रखा है इसमें। प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बात करूँगा कि इसमें बिल्डिंग में कैसा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँगा। पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स कैसा है। ये टू व्हीलर का स्पेस है, ये आप देखें तो पार्किंग भी इसमें